हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो हैप्पी होली इन एडवांस। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुंजिया, यानी वो भी खोए वाली। तो आइए चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले ये मैंने खोआ लिया है, ये मैंने आधा किलो लिया है और इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं। और मैंने आधा किलो मैदा लिया। अब देख लेते हैं हमें ड्राई फ्रूट में क्या क्या चाहिए। और ड्राई फ्रूट में लिए मैंने बादाम, यानी इनको मैंने बारीक काट लिया, आप इस तरीके से काट सकते हैं। और मैंने किशमिश ली है और ये काजू लिए हैं। तो ये मैंने आधी आधी कटोरी ली है। और ये पिसी हुई चीनी है जो हमें यानी खोए में मिलाने के लिए चाहिएगी। अब देख लेते हैं और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कप यानी घी लिया है और ये इस कप से मैं दो कप चीनी लूंगी। और ये मैंने इलायची का पाउडर लिया है। तो अब चलिए आइए इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मैदा ले लिए। मैदे को अच्छी तरीके से आप इस तरीके से बीच में ये कर लें और इसके अंदर ये सारा घी डाल दें और पहले इसको अच्छी तरीके से मैदा में मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, मैंने मोहन को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिला लिया है। आप ऐसे हाथ ले लें और दोनों हाथों से इस तरीके से और इसको अच्छे से मैश कर लें, यानी मैदा के अंदर बिल्कुल अच्छे से मोहन मिल जाना चाहिए। जब ये मिल जाए फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा गूंदेंगे, यानी मुलायम नहीं गूंदना है हमें, थोड़ा इसका आटा सख्त गूंदना है। तो पहले आप इस तरीके से कर लें। अब फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, यानी पानी मैंने नॉर्मल लिया है, गरम नहीं लिया है। और इसको गूंदना है हमें, इसको हम एक सख्त आटे की तरह गूंद लेंगे। तो अब मैं इसको गूंद लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मैदा गूंद लिया, आप देख सकते हैं यानी ये इतनी टाइट है। और इस मैदा को गूंदने में मुझे 1.5 कप पानी लगा है। अब इसको ढक के मैं रख दूंगी 15 मिनट के लिए। और चलो अब आज चलते हैं खोआ भूनने की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर ये खोए को मैं इस तरीके से डाल दूंगी। और इसको हमें ज्यादा नहीं भूनना, बस इतना भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो आप इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहें और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, ज्यादा हाई ना रखें। फ्रेंड्स, खोआ हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, खोआ हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, यानी ज्यादा ठंडा नहीं करना। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो सबसे पहले ये मैं किशमिश डाल रही हूँ, फिर उसके बाद ये काजू, फिर ये बादाम और इसके अंदर डालूंगी मैं इलायची पाउडर। तो ये इलायची पाउडर 2 छोटी चम्मच ले रही हूं मैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप मिक्स कर लें इसको। और अभी इसके अंदर चीनी ना डालें, यानी जो चीनी का पाउडर बनाया है वो ना डालें, नहीं तो खोआ बिल्कुल गीला हो जाएगा और आपकी गुंजिया नहीं बन पाएंगी। जब ये हल्का और ठंडा हो जाए तब इसके अंदर उसको मिला लें। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, यानी बस इसके अंदर चीनी का बुरादा मिलाना है। तो अभी इसको मैं साइड में रख देती हूँ कि थोड़ा सा ठंडा और हो जाए, जब तक हम बना लेते हैं चाशनी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पैन ले लिया, इसके अंदर ये चीनी डाल दूंगी। ये चीनी मैं 2 कप लूंगी इसी कप से। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा कप है और इसी कप से मैं 1 कप पानी लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पानी ले लिया है, वो डाल दूंगी इसके अंदर और इसको अच्छे से हमें, अब फ्रेंड्स इसको अच्छे से हमें पकाना है। और इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी, केवल बस इतना करना है कि इसके अंदर एक चिपचिपापन आ जाए, यानी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो इसी तरह लगातार आप चलाते हुए इसकी चाशनी बना लें। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं 1 चम्मच ये छोटी इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे खुशबू काफी अच्छी आ जाएगी। और इसको मिक्स कर लें और इसको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा चेक कर लें। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं, एक चिपचिपापन आ गया है। ये देखिए, एक तार नहीं बन रहा है, एक चिपचिपापन आ गया है। तो ये हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। तो मैं गैस बंद कर लेती हूँ और चलते हैं गुजिया बनाने की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये खोआ थोड़ा ठंडा हो चुका है, यानी हम इसको हाथ लगा सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैं चीनी का जो बुरादा बनाया था वो डाल रही हूँ, यानी मैंने आधी कटोरी लिया था। आप ज्यादा खाते हैं तो इसके अंदर ज्यादा मीठा मिला सकते हैं और कम खाते हैं तो आप कम मिला सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, अब बनाएंगे हम गुजिया।
तो फ्रेंड्स मैंने ये चकला ले लिया है, अब ये हम इस तरीके से लोई तोड़ लेंगे मैदा की, यानी ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, मीडियम साइज की आप इस तरीके से कर लें और बाकी को ढक के रख दें, यानी जितनी आप निकाल रहे हैं उतनी निकालें और बाकी मैदा ढक के रख दें। तो मैं इस तरीके से इसको साइड में रख देती हूँ ढक के और इसके इस तरीके से बॉल बनाती हूँ, यानी पहले हाथों से अच्छी तरीके से इसको गोल गोल घुमा लेना है, यानी इसमें दरार ना रहे। और इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है, अब इसको हम बेलेंगे, पर बीच में इसके ज्यादा जोर ना दें, यानी इसके किनारों पे दें, यानी बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको गोल बेल लें पूरी। फ्रेंड्स इस तरीके से बेल लें। तो फ्रेंड्स ये हमारी पूड़ी बिल्कुल तैयार है, और इसको हाथ में ले लें और इस तरीके से स्टफिंग की एक चम्मच उठाएं और इसमें रख लें, यानी एक डेढ़ चम्मच जो भी आपको इसके अंदर डालना है, और इसको चकले पे रखें और इसके चारों तरफ इस तरीके से पानी लगा दें और फिर इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करके इसको चारों तरफ से ऐसे उंगलियों से दबा लें इस तरीके से, यानी ये अच्छे से दब जाए कि हमारा जो भी स्टफिंग है वो इससे बाहर ना निकले, और फिर थोड़ा सा हिस्सा लें और इसको इस तरीके से मोड़ें, फिर ये वाला लें और फिर इसको इस तरीके से मोड़ें, यानी थोड़ी मेहनत लगेगी पर ये बन जाएगी। इस तरीके से मोड़ें और इस वाले को दबा लें, फिर इसको लें और फिर इस वाले को दबा दें और फिर यहाँ से उठाएं, फिर इसको लें फिर इसको दबा दें। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से गुंजिया बन के बिल्कुल रेडी है, इसी तरीके से मैं अपनी सारी गुंजिया बना लूंगी। तो फ्रेंड्स ये गुंजिया बन चुकी है, मैंने इनको ढक के रख रखा था, अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। फ्रेंड्स मैंने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था और ये पहले से ही मैंने प्री हीट कर लिया है, तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे गुंजिया डाल दें, यानी जितनी आपकी कढ़ाई में आए, दो तीन चार जिस तरीके की आपकी कढ़ाई हो। तो मैं इस तरीके से ये चार गुंजिया डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, इसको मीडियम ही आंच पे सेकें, अगर ज्यादा आप हाई पे करेंगे तो ये ऊपर से करारी हो जाएगी और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि गुंजिया हमारे ऊपर आ गई, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनको पलट दें इस तरीके से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गुंजी हमारी अच्छी तरीके से तल चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी, यानी इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो आप इसी तरीके से इसको तल के साइड में रख लें और इसी तरीके से मैं अपनी बाकी गुंजियों को तल लूंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने बाकी की भी गुंजिया अपनी तल ली है, आप देख सकते हैं यानी इनका कलर अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं निकाल लूंगी अब इनको। तो फ्रेंड्स अब इनको मैं चाशनी के अंदर डुबोंगी। फ्रेंड्स ये मैंने पैन चाशनी वाला ले लिया है, अब इसके अंदर इस तरीके से गुंजिया रख दें, और चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए यानी ठंडी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप रख दें और इसको पलट लें और दो मिनट इसी के अंदर रहने दें कि चाशनी गुजिया के अंदर आ जाए। तो आप पलट पलट के इसको इस तरीके से कर लें और दो मिनट इसी के अंदर गुजियों को छोड़ दें। फ्रेंड्स दो मिनट हो चुके हैं, तो मैं इस तरीके से गुंजियों को निकाल लूंगी। आप ऐसे छलनी वाली ले लें जिससे ये चाशनी इसी के अंदर रह जाए और प्लेट में साइड में रखते जाएं। फ्रेंड्स और अब करूंगी मैं इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स गुंजिया बनके बिल्कुल रेडी है, मैंने इनकी प्लेटिंग कर दी है और ये बिल्कुल मार्केट जैसी है। अगर आपको मेरे खोए वाली गुंजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको ये कैसी लगी और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।